ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। आप च रेंदियां बतौर विरोधी धिर के आगू वजो खहरा ने कांग्रेसी आगू राणा गुरजीत सिंह खिलाफ भी मोर्चा खोलिया सी, जिस कारण राणा गुरजीत नूं अपने मंत्री पद तो अस्तीफा देना पिया सी। पर उथे ही अज जदों पंजाब दे नवे बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कपूरथला च पंजाब टैक्नीकल यूनीवर्सिटी च पहुंचे, जिथे उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अंबेदकर साहब के नाँ ते बनाउण वाले म्यूजियम का नींह पत्थर रखिया। इस दौरान एक ही स्टेज पर सुखपाल खहरा ते राणा गुरजीत सिंह भी खड़े हुए नजर आए, यानी कि दोनों कांग्रेसी आगुओं वालों अज स्टेज नूं सांझा किया गया। तस्वीरों च देखा जा सकता है कि दोवें आगू एक दूजे के नज़दीक खड़े हुए साफ साफ नज़र आ रहे हैं। सरदार जोगिंदर सिंह मान जी, साबका मंत्री साहब, वो भी आ जान कि सानू इत्थे मंच ते ज्वाइन करन। सो अज का जो साडा समागम, जो मेन अट्रैक्शन सी अज दे समागम दी, ओ के अज जो साढ़े सैवंथ मैगा रोज़गार जॉब फेयरस लगे सी पूरे पंजाब के वख-वख शहरां दे विच, अज उन्हां दी समाप्ति समारोह है। तो जिहड़े कैंडीडेट्स नूं इस रोज़गार मेलियां दे विच जां इस तों पहलां पंजाब सरकार दे उपरालियां दे नाल सरकारी विभागां दे विच नौकरी मिली है, जलंधर तो सारे MLA साहबान साढ़े को आए हुए हैं। मैं बेनती करांगा कि काइंडली वो भी मंच पर आ जाण। मानयोग मुख्यमंत्री जी ने उन्हां दी आमद मंच पर उम्मीद रखी है। अंगद जी मेयर साहबान आ जाण, साढ़े जो चुने हुए लोग नुमाइंदे ने, कृपा करके वह भी आ जाण। तुहानूं दस दईए कि कांग्रेस की सरकार विच राणा गुरजीत कैबिनेट मंत्री दे अहुदे ते सी। उस समय सुखपाल खहरा ने राणा गुरजीत खिलाफ मोर्चा खोलिया, रेत दियां खड्डां दी कपलेबाजी दे इल्जाम लगाए, जिस कारण राणा गुरमीत नूं मंत्री पद तो अस्तीफा देण लई मजबूर होना पिया। उदों तो ही खहरा ते राणा गुरजीत दरमियान तलखियां चलदियां आ रहियां ने, पर उथे ही अज दोवें आगुआं नूं इक ही स्टेज भी सांझी करनी पई है। फिलहाल हुण लोकां वल्लों सवाल खड़े कीते जा रहे ने कि खहरा वल्लों लगातार राणा गुरजीत ते भ्रिष्टाचार दे इल्जाम लगाए गए, अते अज उन्हां नाल ही स्टेज सांझी कीती गई कि की अज राणा गुरजीत सही हो गए ने अते भ्रिष्टाचारी मंत्री नहीं रहे जिन्हां नाल खहरा ने स्टेज सांझी कीती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।